भाई साहब, आपके अचार पापड़ का पार्सल रेडी है, लेकिन आपका आदमी आने वाला था, अभी तक आया नहीं है। वो आता ही होगा। हाँ, लेकिन मैं कब से वेट। लगता है आ गया, डोरबेल बजी है। हाँ हाँ, मैं दे दूंगा। अच्छा एक मिनट, पैसे अच्छा उसके पास दिए। वेरी गुड, ओके ओके, थैंक यू। आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ जी, मैं ही हूँ, आइए आइए। ये आपका पार्सल बिल्कुल रेडी है, तो ये लीजिए, कुल मिला के 1750 रुपए हुए। अरे लीजिए भाई, बहुत भारी है, मुझे बहुत काम है। काम मुझे भी है। ये लेटर पढ़िए, पढ़ना आता है ना? क्या कहा आपने, पढ़ना आता है ना? ओ मिस्टर, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का सिर्फ एक मैं सेक्रेटरी नहीं हूँ, शिक्षक भी हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। आप मुझे पूछ रहे हैं पढ़ना आता है कि नहीं? अरे देखो ना, एक तो डिलीवरी लेने के लिए आया है, ऊपर से मुझे लेटर देता है और पूछता है कि आपको पढ़ना आता है। अरे हालांकि आता है का? आपने बाहर बोर्ड देखा नहीं? भिड़े ट्यूशन क्लासेस, मैं बच्चों को यहाँ पे पढ़ाता हूँ, शिक्षक हूँ शिक्षा की सोसाइटी में, और आप मुझे। ये अजय दीवान करके कोई है, अपने तैयब जी है ना, उनके फ्लैट में रहने आए हैं। अच्छा कपड़े वाले नहीं है। नमस्ते। सॉरी, तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एक्चुअली अभी ना हमारे पास आचार पापड़ की डिलीवरी लेने के लिए आदमी आने वाला था, और मुझे लगा कि आप वही है, इसलिए सॉरी। सॉरी, आप आइए ना, बैठे ना। मेरे पास टाइम नहीं। अरे आइए तो सही, बैठे चाय वगैरह पीजिए। कांदे पोहे भी बनाओ। हाँ कांदे पोहे। नो थैंक्स, मुझे सिर्फ तैयब टेलर जी के घर की चाबी चाहिए। अच्छा अच्छा, वो मैं दे दूंगा आपको। अच्छा जस्ट एक नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, आप अकेले हैं या शादीशुदा? मतलब आप फैमिली के साथ यहाँ रहने आने वाले हैं या क्या? अच्छा विचार ऐसे। और बच्चे भी आपके? नहीं मतलब अगर बच्चे होंगे तो उनको ट्यूशन की जरूरत तो पड़ती होगी, तो आप उनको मेरे पास भेज सकते हैं ट्यूशन के लिए। मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है एक्चुअली। हाँ। मेरे पास पढ़ा हुआ हर एक बच्चा एकदम फर्स्ट क्लास पास होता है। हाँ मतलब कोई टेंशन नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास सफलता की चाबी है। और मुझे तैयब टेलर जी के घर की चाबी चाहिए। वो देता हूँ, एक मिनट, जरा मुझे पहले तैयब जी से कंफर्म करना पड़ेगा। उनका फोन नहीं लगेगा, वो सऊदी में है, और इसीलिए उन्होंने मुझे ये 2 साल का एडवांस मेंटेनेंस का चेक भी दिया है। और ये रहा मेरा पासपोर्ट, अजय दीवान। ओह थैंक यू। आज भी 2 साल का मेंटेनेंस का चेक एडवांस भी दिया तैयब जी ने, क्या बात है, थैंक यू। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तैयब जी का आभार मानता हूं। ताली नहीं, ताले की चाबी चाहिए। हाँ वो मैं दे दूंगा आपको, दरअसल वो हाथी बैग के घर पे, आइए। नहीं नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे बता दीजिए कि मिस्टर हाथी कहाँ रहते हैं, मैं ले लूँ। जी दरअसल वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं, लेकिन क्या है वो ऐसे अनजान आदमी के हाथ में चाबी देंगे नहीं। गेला जाना खाली है। वो चप्पल तो खाली थे माला, बाजू बाजू। अरे अजय भाई, ओ अजय भाई, तो क्या आप, लगता है बहुत जल्दी में। जो स्लो होता है वो हमेशा पीछे रह जाता है, सिंपल। अरे हाथी भाई, ओ हाथी भाई। हाँ बड़े मास्टर। हाँ। क्या लाए हो खाने के लिए? हैं? अरे खाने के लिए नहीं हाथी भाई, तो? मैं इन्हें लाया हूँ। इनकी तारीफ? ये है मिस्टर अजय दीवान। अच्छा अच्छा, तो आप ही अजय दीवान हैं। आप जानते ही ना? हाँ, वो तैयब भाई का सऊदी अरबिया से फोन आया था कि अजय दीवान नाम के कोई आदमी आएंगे तो उनको आप मेरे घर की चाबी दे दीजिएगा। आइए आइए, घर में अंदर आइए। नो थैंक्स। अच्छा कोई बात नहीं, मैं चाबी मंगा देता हूँ। कोमल। हाँ हंस। अरे वो तैयब भाई के फ्लैट की चाबी लेके आना, वो जो भाई साहब आए हैं जिनको देनी है। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। मैंने घर की साफ सफाई बढ़िया से करा दी है।
और सुनाइए। हाँ, ये लो हंस। हाँ। हेलो, ये रही चाबी। चाबी ऐसे नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? अरे भाई, तैयब भाई हमेशा मेरे लिए लड्डू भिजवाते हैं। आज भी भिजवाए होंगे ना? पहले मेरे लड्डू दीजिए। कहाँ, बैग में है? लड्डू खाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको लड्डू पसंद नहीं है? लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है, ये तो सही बात नहीं है ना? अरे अजय भाई, ये गोकुलधाम सोसाइटी है, यहाँ पर सभी एक दूसरे से प्यार से हंसकर बात करते हैं, तो आप हंसकर बात कर सकते हैं। हाँ। सही बात है, हंसना सेहत के लिए हानिकारक है। गोकु भाई, सिंपल चाबी दी, घर साफ करा के दिया और ऊपर से थैंक यू भी नहीं बोला, और ऊपर से कहता है कि मुझे लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है। क्या बुराई है लड्डू खाने में? कितना मजा आता है लड्डू खाने में? ये कोई तरीका नहीं है बात करने का? मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे भी जरा विचित्र लगा, हमारे घर पे एक भी सवाल का जवाब उन्होंने ढंग से नहीं दिया। हाँ, बिल्कुल भी ज्यादा बात नहीं करता ये। इसका स्वभाव बिल्कुल शांत पानी की तरह है, और शांत पानी हमेशा गहरा होता है। इसके स्वभाव में नक्की कुछ गहराई। चल माजी, तू होपड़ में आ लो, दो मिनट। चल मिलते हैं। हेलो। हाँ, टप्पू के पापा। हाँ बोल, क्या है? आपने पाव भाजी खाई? कम तो नहीं पड़ी ना? दया, मेरे गुस्से को हवा मत दे। 32 वाट की भोजन के जगह पे पाव भाजी कहाँ से आई, ये अभी तक तूने मुझे बताया नहीं है। अभी एक बड़ी खबर सुनी है। क्या? अरे वो हमारी सोसाइटी में तैयब भाई टेलर नहीं रहते, जो हमेशा बारगांव ही रहते हैं। हाँ, तो क्या है उसका? तो उनके फ्लैट में एक भाई रहने के लिए आया है, अजय भाई देवगन। अजय भाई देवगन हमारी सोसाइटी में रहने आ गए? क्या बात कर रही है दया? हमारी सोसाइटी अजय भाई को इतनी पसंद आ गई कि अभी फाइनली रहने को ही आ गए। बहुत बढ़िया दया, ये तो बहुत जबरदस्त न्यूज है। एक महीना लेट हो गए, पिछले महीने आए होते ना अजय भाई, तो हमारे साथ जीपीएल खेलने का भी मजा आता उनको, नहीं? अरे टप्पू के पापा, अजय भाई देवगन नहीं, अजय भाई दीवान। वो कौन है? मुझे क्या मालूम, पर जो भी है उनका स्वभाव बड़ा विचित्र है, उनको लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है, बोलो। अरे पर तू उनको लड्डू खिलाने क्यों गई थी? अरे मैं नहीं गई थी। तो वो क्या है, बेचारे हाथी भाई ने उनके साथ सहजता से लड्डू की कुछ बात की, तो उन्होंने कहा मुझे लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, उनको नहीं पसंद है तो हम क्या कर सकते हैं? पंखे करो, छोड़ना भाई। तो तुझे भी क्या इतनी पंचायत है? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई पंचायत नहीं है, पर उन्होंने सोसाइटी में किसी के साथ हंस के बात नहीं की। तो तू अभी क्या चाहती है? मैं क्या करूँ, उधर आके उनको गुदगुदी करके हंस रहा हूँ और सबके साथ बात करने के लिए मजबूर करूँ? अरे भाई, बेचारा आज ही आया है, उसको थोड़ी सांस तो लेने दो, दो चार दिन में सबको जानने लगेगा, पहचानने लगेगा, तो हंस के क्या रोक कर भी बात करने लगेगा। पर फिर भी छोड़ ना भैया, सब पंचा छोड़, रात को मैं घर आऊँ फिर मेन बात करेंगे, ठीक है? कौन सी बात? टिफिन वाली बात अभी तक भूला नहीं हूँ, मुकदमा चलने वाला है तुम पर, अभी काम है इसलिए फोन रख रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे भी बहुत काम बाकी है, चलो बाय। क्या कहा, उसे लड्डू खाने वाले पसंद नहीं है? हाँ, ये तो गलत बात है। सही बात है। आता है काय नवीन? नवीन या अजय दीवान? नाम अजय दीवानी है, नवीन मतलब ये लुक चेंज कर दिया, जब आया था तो फुल दाढ़ी थी। अच्छा, अभी फ्रेंच कट है। ओहो, गेटअप चेंज, इंटरेस्टिंग, मिलना पड़ेगा।
सलाम। मेरा नाम अब्दुल है। ये सोसाइटी के बाहर जो दुकान है ना, ऑल इन वन जनरल स्टोर मेरी है। आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे कहना, मैं आपके यहाँ पहुंचा दूंगा, फ्री होम डिलीवरी। कोई मेरे घर पे आए वो मुझे पसंद नहीं। वैसे अजय भाई, ये जो आपने नया लुक रखा है फ्रेंच ब्रेड का, ये काफी जच रहा है आप पे। और बाकी सब, मैं आप लोगों की तरह फ्री नहीं हूँ। क्या कर रहा है गोली? अरे टप्पू बेटा, जरा आराम से खेलो, अभी लग जाता है इनको। वैसे मान गए अजय भाई, क्या कैच पकड़ा है आपने एकदम। हाँ वैसे टप्पू, इनको आप अपनी टीम में ले लो, गोलकीपर अच्छे हैं ये। सॉरी अंकल, अंकल बॉल दीजिए ना, बॉल दीजिए ना। मुझे बच्चों का खेल पसंद नहीं है। ये आए थे शायद लाल गाड़ी में, अभी पीली गाड़ी। अंकल क्या पीछे ढूंढ रहे हो? ये वहां पर वो गिर गया था। अंकल आपने क्या किक मारी है, आप टप्पू सेना ज्वाइन कर लीजिए ना, साथ मिलकर सुपर गोल मारेंगे। आते ही टप्पू सेना से पंगा ले लिया, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। हाँ सही बात, समझ में नहीं आता ये आदमी एग्जैक्टली है क्या। गुज्जब हो गया, तुमने कहा था ना कि मेरे साथ घटना घटने वाली है, तो घटना घटी। टिफिन का सारा खाना खा गए हाँ, और बेचारे तुम्हारे जमाई रह गए माँ। हाँ क्या क्या कह रही हो मैं? कैसे मैं? अरे माँ, इससे भी बड़ी घटना सोसाइटी में होने वाली है, पर कौन सी मैं? अरे पर ऐसे कैसे पता नहीं चलेगा मैं? ठीक है माँ, माँ परसे आ देवा से, हम सोसाइटी वाले मिलकर मुसीबत का डट कर सामना करेंगे। हाँ थैंक यू माँ, तुम्हारे आशीर्वाद है तो फिर कुछ नहीं होगा। हाँ नट्टू काका जी, सेठ जी, चलिए मैं निकल रहा हूँ, आप लोग भी फिर दुकान बढ़ा के निकल जाना। जी सेठ जी। सेठ जी विश यू गुड लक, संभल कर जाइएगा। क्यों ऐसा कह रहे नट्टू काका? वो कहावत है ना, जिसका खाना बिगड़ा उसका दिन बिगड़ा। बराबर है, और सेठ जी अभी तक दिन पूरा नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। बात तो सही है, आज सुबह दिन की कितनी अच्छी कितनी बढ़िया शुरुआत हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद दिन ने जो करवट ली है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि टिफिन में से खिचड़ी कढ़ी सेव टमाटर नु साग बाजरी नो रोटलो मगनी दाल नो सीरो की जगह पे पाव भाजी कहाँ से आई। अभी घर जाते ही सबसे पहले दया से यही पूछूंगा। दया जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, आपका मन पसंद खाना तैयार है। अच्छा क्या बनाया है? पाव भाजी। पाव भाजी, फिर से पाव भाजी। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। आपके लिए तूरिया वटाणा पत्रानु साग और भाखरी बनाई है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू बच गई है, दोपहर का टिफिन का राज अभी बताना बाकी है। बता क्या जानना है? बापू जी, ठप्पू आइए आइए, खाना तैयार है। अच्छा
तूने बनाया? नहीं बनाया तो दया ने, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ बापूजी, फिर हम सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं बापूजी। अरे नहीं भाई नहीं, मैंने तो आज दोपहर को भर पेट खाना खाया है। खिचड़ी कड़ी बाजरा नो रोटो सेव टमाटर नो साग मगली दाल नो शीरो भजिया सब पेट भर के खाया है। अभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं तो सिर्फ दूध पी के सो जाऊं। ए भाई। जी जी बापूजी। क्या क्या ये बहू को इशारे में करके जानना क्या चाहता है? नहीं नहीं तू कब से क्या जानना क्या चाहता है? तुझे यही जानना है ना कि दोपहर को तेरे टिफिन में खिचड़ी कड़ी बाजरे का रोटला सेव टमाटर नु साग उसकी जगह पे पाव भाजी कैसे आई? बापूजी आपको पता है? हाँ लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है मनु बदल कैसे गया। कौन मनु? हाँ मनु कौन? बेटा तुम्हारे पापा खाने के मेन्यू की बात कर रहे हैं। ओ मेनू? हाँ वो मेनू के बारे में कब बताएगी? बताती हूँ सब बताती हूँ। देखिए आज दोपहर को मैं आप सब लोगों के लिए टिफिन लेकर निकली, उसके पहले घर पे माँ का फोन आया था, माँ ने बताया कि आज कोई घटना घटने वाली है। फिर हुआ यूं कि सीएडी ऑफिस गई थी? हाँ। अरे तो मैं भी वहाँ गया था। क्या मतलब? वो लोग दुकान पे आए थे और मुझसे झूठ बोल के मुझे जबरदस्ती उठा के ले गए। क्या फिर क्या हुआ? अरे हुआ यूँ कि वो किसी बेवकूफ ने किसी गुनहगार की तस्वीर गलती से मेरे जैसी बना दी तो पूछताछ के लिए ले गए मुझे। फिर क्या पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया। अरे पर आप वहाँ थे ये बात उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताई? फिर आपको भी क्यों नहीं बताया कि मैं वहीं थी? कैसे बताते दया, वो लोग मेरा टिफिन खा चुके थे ना, इसलिए मुझे लगता है दया वो सीएडी वाला मुझसे डर गए होंगे कि अभी क्या मुंह लेके बताए। सॉरी टप्पू के पापा, मैं आज आपको आपका मनपसंद खाना नहीं खिला पाई। ऐसी बात कर रही है दया, उल्टा ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि सीएडी वाले पर उनकी पूरी टीम ने तेरे हाथ का बना खाना खाया। मम्मी उनको हमारा गुजराती खाना पसंद आया? पसंद? अरे बेटा उन लोगों ने तो ऐसी जय फतोड़ाई थी ना कि बात ही मत पूछो। अरे उनको तो जलसा पड़ गया था। खाना खाने के बाद छोटे बच्चे की तरह उंगलियां चाटते रह गए थे। वाह अरे दया ये बात तूने मुझे पहले ही बता दी होती तो मेरा पेट खुशी से ही भर गया होता। तो अभी बता दी ना, तेरा पेट भर गया ना तो अभी खाना मत खा। अरे मजाक कर रहा हूँ। टप्पू के पापा आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं तैयब भाई टेलर है ना उनके यहाँ जो नए भाई रहने आए हैं ना अजय भाई दीवान उनको थोड़ा खाना देकर आती हूँ। छोड़ ना दया, हम उनको ठीक से जानते भी नहीं है, तू क्यों इतनी फिक्र कर रही है उनकी? टप्पू के पापा वो बेचारे अकेले है, पता नहीं उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं। वो हमारी सोसाइटी के मेहमान है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फर्ज बनता है उनकी मेहमान गती करें, इसलिए बस थोड़ा खाखरा थोड़ा थेपला भाखरवड़ी और थोड़ी मिठाई देकर आती हूँ। वाह वाह मेरी अन्नपूर्णा, वाह सबका ख्याल रखती है एक अपने पति को छोड़ के। मतलब मेरा कुछ ज्यादा विशेष ही ख्याल रखती है। हाँ जा बहू जा, एक काम कर टप्पू को भी साथ ले। जी बाबू। जा ले मैं ले लेता। आती हूँ मैं। अतिथि देवो भव, यही भारतीय संस्कृति, और दया भाभी भारतीय संस्कृति का प्रतीक। तभी तो अजय दीवान के लिए खाना लेकर जा रही है, उसे देव समान अतिथि मानकर, लेकिन अजय दीवान देव है या दानव कोई नहीं जानता, क्योंकि हरकतें बड़ी रहस्यमयी है अजय दीवान की। क्या करना चाहता है, क्यों आया, किसी को कुछ भी नहीं पता।
इसलिए जब दया भाभी अजय दीवान से मिलेंगी तो उस मुलाकात में क्या होगा ये जानना न केवल रोचक होगा बल्कि मनोरंजक भी। और ऊपर से दया भाभी की माँ ने ये कहा है कि सोसाइटी में कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। भाई अंदेशा तो मुझे भी, आशंकाएं गहरा रही है, क्या होने वाला है सोसाइटी में, टेंशन बहुत ज्यादा है। लेकिन सीधा सा हिसाब, यहाँ जितना ज्यादा टेंशन आपके घरों में उतनी ज्यादा हंसी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या होने वाला है सोसाइटी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.